होप करते हैं लोग बढ़िया होंगे। तो गाइस बहुत ही बड़ी अपडेट निकल के आ रही है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की। जी गाइस बहुत ही बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का जो आवेदन होता है, यानी कि जो एडमिशन फॉर्म होती है, वो जल्दी रिलीज होने वाली है। जी गाइस बहुत ही जल्दी रिलीज होने वाली है। मैं आपको डेट तक बताने वाला हूँ इस वीडियो को, तो वीडियो को पूरा फुल एंड तक देखिएगा। चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं आज के। तो गाइस इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का जो आवेदन है उसको 20 जुलाई की डेट रखी है। जी गाइस ये ऑफिशियल अपडेट निकल के आ रही है। आप देख सकते हो जी न्यूज, यानी कि हमारे इंडिया का कितना बहुत ही बड़ा न्यूज चैनल है, तो वो बता रहा है कि 20 जुलाई को कंफर्म कर दी गई है। ठीक है, तो देखते हैं इसका लेटेस्ट अपडेट क्या निकल के आ रहा है। इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय यानी कि ईवी एवं संघटक कॉलेजों में नए शैक्षणिक सत्र 2020 और 21 प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 15 से 20 जुलाई के बीच शुरू हो सकती है। नाम नहीं उजागर की गई है, लेकिन जो बता रहा है ऑफिशियल इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का, वो अपना नाम नहीं बता रहा है, लेकिन उसने ये शर्त रखी है कि हमारा नाम उजागर नहीं होना चाहिए, कि मैं नाम सामने नहीं आना चाहिए। लेकिन एक प्रोफेसर ने बताया है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में प्रवेश से जुड़ी सभी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। आवेदन की प्रक्रिया 15 से 20 जुलाई के बीच शुरू किया जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन शुरू होने के बाद इच्छुक एवं योग्य छात्र ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकेंगे। तो ये आपको मैं सबसे पहले इन्फॉर्म कर रहा हूँ, तो यार इसके लिए तो एक लाइक बनता है। तो यार ये लेटेस्ट अपडेट है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का। ठीक है, तो यार ये देख सकती हो कि मैंने कोई इसमें फेक या एडिटिंग नहीं है, जी न्यूज कंफर्म कर रहा है। ठीक है, बहुत ही बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है। जैसा कोई अपडेट आगे आएगा मैं आपको इन्फॉर्म इसी तरीके करता रहूंगा, वो भी सबसे पहले यूट्यूब पे सबसे पहले मैंने आपको इन्फॉर्म किया है। ठीक है, तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और बेल वाले आइकन को ऑल पे सेट कर देना, क्योंकि मैं एंट्रेंस एग्जाम के रिलेटेड बहुत सारी वीडियोज बनाता हूँ और अपडेट भी आपको करता रहता हूँ। तो चलिए वीडियो को आज यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं आपको अगली नई किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।